बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है और बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी भी होता है बनाना वॉलनट केक। तो चलिए बनाते हैं आज बच्चों के लिए स्पेशली बनाना वॉलनट केक। बेकिंग का एक थंब रूल होता है कि सारी चीज़ें मेजरमेंट के हिसाब से ही लेनी है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लेना वरना आपका केक बिगड़ जाएगा। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ उनके मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ मैंने लिया बटर और शुगर और उसको अच्छे से हम यहाँ पे व्हिप कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो, इलेक्ट्रिक ये बीटर ना हो, तो आप हाथ से भी जो विस्क होता है उससे भी कर सकते हैं, और हमें तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए और अपना कलर चेंज कर दे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क। सबसे पहले एक तैयारी कर लेते हैं, हम ले लेते हैं एक बनाना। बनाना आप कच्चा मत लीजिएगा, ओवर राइप भी चलेगा, राइप भी चलेगा, बट कच्चा नहीं चलेगा। अब हम इसको फोक के हेल्प से अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। मैश बहुत अच्छे से करिएगा, बिल्कुल ना ये थोड़ा लिक्विड जैसे हम बच्चों को खिलाते हैं ना मैश करके बनाना, उस तरह से बिल्कुल। यहाँ हमने मैश कर लिया, अब हम पहले इसको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से यहाँ पे बीट कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब हमें जो भी आइटम डालना है ना उसको अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है। यहाँ मैंने डाल दिया वनीला एसेंस और जो बनाना हमने मैश किया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। वापस से इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये केक ना बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही बढ़िया। इवन मैं ये वाला केक भी ऑर्डर के लिए बना रही थी, हमारी मेरी एक क्लाइंट है जो कि बाहर जा रही थी और उनको अपनी बेटी के लिए ये चाहिए था ताकि वो बाहर भी उसको खिला सकें, बाहर का जंक नहीं खिलाना चाहती थी। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको सिफ्ट कर लेंगे इसमें। यहाँ मैंने लिया मैदा, अब उसी मैदे में से ना मैं एक टीस्पून थोड़ा सा मैदा इस वॉलनट में लगा रही हूँ। अगर हम वॉलनट को कवर कर लेंगे ना तो वॉलनट जो है वो नीचे श्रिंक करके नहीं चला जाएगा, वो केक के हर लेवल पे हमें मिलेगा। यहाँ मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और इसको हम अच्छे से कर लेंगे सिफ्ट। मैंने एक्स्ट्रा मैदा भी ले सकती थी बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेकिंग का एक थंब रूल होता है कि सारी चीज़ मेजरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए मैदा भी मैंने उसी में से निकाला। और यहाँ मैं अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड के हिसाब से मैदा को मिक्स कर रही हूँ, वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर रही हूँ। पहले हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम हैंड विस्क से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि एक डायरेक्शन मतलब आप करिए ना तो इस तरह से करिए ताकि जो उसकी एयर डेवलप की है हमने सिफ्ट करके वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। यहाँ मैंने अच्छे से कर लिया, अब मेरे को यहाँ लग रहा है कि कोई भी लंप इसके अंदर नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ना भी आई हो तो भी ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर स्पैचुला की हेल्प से हम उसको वापस से निकाल के साइड से कर लेते हैं और उसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, प्लस ये भी देख लेते हैं कि नीचे कुछ भी ड्राई इंग्रेडिएंट बचा ना हो। आप देख रहे हो ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब ये जो हमने वॉलनट पे मैदा लगाया था अब हम ये इसमें डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे एक ट्रिक, अगर तो आप अपने घर के लिए बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आप सेल पर्पज से बना रहे हैं तो यहाँ मैंने लिया है बेकिंग सर्व और मैंने उसको वेइंग स्केल पे डाल दिया है और यहाँ मैं वे करके अप्रॉक्स 520 ग्राम्स डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को 500 ग्राम का केक बनाना है। तो मैंने 520 ग्राम इसलिए डाला है जब हम इसको अवन में रखेंगे तो इससे जो वाटर इवेपोरेट होगा उसका ग्राम कुछ कम हो जाता है, इसलिए हमेशा थोड़ा सा ऊपर रखिए। और ऊपर से मैंने इसको डाल दिया है वॉलनट और अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 32-35 मिनट्स। आपको स्क्यूअर डाल के चेक करना है कि ये बेक हुआ है कि नहीं। यहाँ मैंने दो बनाए थे इसलिए मैंने दो अलग अलग बेक किए हैं और ये देखिए कितने यमी बने हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा।